राइट स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करें? पहली बात, शुरुआत यहां से सीधी बात कि आप कचरा इकट्ठा करना बंद कीजिए, कचरा करना चालू कीजिए। कचरा इकट्ठा करना बंद करने से क्या मतलब है सर? सीधे सीधे बताओ, सीधे सीधे बात यह है, बच्चे की जो स्टडी मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो या EIS हो या ऑडिट हो, उसका जो ICAI का स्टडी मैट है, दैट इज द स्टडी मटेरियल। हमारे लिए तो वही बाइबल है, वही गीता है, वही कुरान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जब मैं पहली स्टडी कर रहा हूं, मदर बुक पे काम करूंगा मैं, स्टडी ICAI स्टडी मैट पे काम करूंगा मैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखूंगा। ये बात सही है कि पास्ट ईयर है, सजेस्टेड है, MTPs है, RTPs है, ये सब भी करना जरूरी है, लेकिन इससे पहले मेरा सवाल है कि तुम स्टडी मटेरियल के बारे में क्या जानते हो। तो वो मदर बुक है, सबसे ज्यादा आपको उसको कवरेज करनी है, उस पर फोकस करना है। अगर वो किया तो ये सब दो दिन में हो जाएंगे। और मदर बुक स्टडी मैट को अच्छे से कवर नहीं किया है तो आपको ये सब करते रहोगे महीने दो महीने लगा करके, स्टडी मैट फिर भी कवर नहीं होगा, क्योंकि इस स्टडी मटेरियल से ही निकले हुए स्पिन ऑफ्स हैं, ये सब उसी के बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो अपना स्टडी मैट ICAI का स्टडी मैट होगा या उसके बेस पे तैयार की हुई बुक होगी। तो चैनल टेलीग्राम्स पे, यूट्यूब पे, इधर उधर, इधर के लेक्चर, उधर की कहानियां, इधर का मार्केटिंग, उधर के प्रमोशन देख करके स्टडी मैट के कचरे को चुनना, बिनना और उसको इकट्ठा करना हम बंद कर दें तो हमारी भलाई है। एकदम स्ट्रेट टॉक कर रहा हूं क्योंकि इसका सीधा इंपैक्ट हमारे रिजल्ट पे पड़ता है। एकमात्र मटेरियल स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर भी उसी से निकले हैं, सजेस्टेड भी उसी से निकलता है, आपके MTPs RTPs भी उसी से लिखे जाते हैं और सब उसी से तैयार होते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ के लाओगे, स्टडी मैट को उसका सोर्स मिल जाएगा। हाँ, स्टडी मैट को पढ़ते हुए उसकी इंटरप्रिटेशन जरूरी है, उसकी बिटवीन द लाइंस एंड लाइन बाय लाइन स्टडी जरूरी है, क्योंकि MCQs आते हैं, केसेस, सिनेरियोज, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ICAI पूछता है। और साथ ही साथ जो ओल्ड कोर्स के बच्चे, ITSM के बच्चे, वो PM पे बहुत भरोसा करते हैं, प्रैक्टिस मैनुअल पे। ये PM क्या है? बस सिंपल सी बात है, मैं पूछना चाहता हूँ। PM इज नथिंग बट पास्ट ईयर 10-12 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है और उसके ब्रीफ आंसर दिए होते हैं। आप उसको बाइबल मान लेते हो, मैंने PM कवर किया है, मैंने PM कवर किया है, वो वही लिखते हो और वही उतने ही रेंज में रहते हो, क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ जाता है और फिर आप गोल गोल। तो मुद्दा क्या है कि अगर स्टडी मटेरियल किया है तो प्रैक्टिस मैनुअल आपने आप ही किया है। ये बात मैं बताना क्यों जरूरी समझ रहा था आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हैं, खास करके इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये पूरा महीना आपका कॉम्प्रिहेंसिव, जो बच्चे सेकेंड ग्रुप का अटेम्प्ट दे रहे हैं ISSM ITSM, उन बच्चों के लिए ये महीना कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का महीना है, नवंबर रिवीजन का महीना है और दिसंबर में ऑफकोर्स रिवीजन करते हुए आप एग्जाम में चले जाओगे। उन दोनों बच्चों के लिए ये बहुत 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 जरूरी है कि वो अभी का स्टडी मटेरियल क्लैरिफाई करें, क्लियर हो थॉट प्रोसेस में, सो दैट कि वो प्लान कर पाए। नो कन्फ्यूजन, ठीक है, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। सो सिंपल सी बात है, चीते की चाल बाज की नज़र, और ICAI के स्टडी मटेरियल पे शक नहीं करते, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग, एंड यू आर वॉचिंग ASSM विद होम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।